जब शंकराचार्य जी एक राजा के शरीर में प्रवेश किए, ये कह लो कि समा गए जी, समा गए तो उनको ये शरीर तो यहीं पर आ रहा, लेकिन उस शरीर का पूरा उनको अनुभव हो रहा था। बिल्कुल, रानियों के साथ रहे सारा कुछ, तो उनको सारा अनुभव हुआ और उन्हीं आत्मा के पास अंतःकरण के साथ फिर लौटे तो पूरा ज्ञान लेकर लौटे वो। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आत्मा जिस शरीर में जाती है वो उसी की हो जाती है और उसका पूरा अनुभव लेती है वो। तो ये तो भाव देह है, यानी जब उसमें प्रवेश करते हैं तो उनको यही लगता है मैं हूँ और मैं ही हूँ, जो भी उस शरीर से करेंगे उनको यही लगेगा अनुभव मैं ही हूँ। जैसे उदाहरण के रूप में आप इस समय अपने शरीर के अंदर हैं, इस जीव से जब आप खाएंगे तो स्वाद आपको आएगा, इन कानों से सुनते हैं, कान सुनते हैं तो लेकिन आपको सुनाई दे रहा है, आप चलते हैं, आपके मन में इच्छाएं जागृत होती हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं शरीर के माध्यम से। जैसे इस शरीर के माध्यम से आप सुखों का अनुभव करती है आत्मा, इसी प्रकार सखियों के शरीर में जब हम प्रवेश करेंगे तो उन सखियों को जो भी अनुभव, वही हमारा अपना अनुभव होता है, हम उसी रस में उसी आनंद में होते। तो ऐसे नहीं, मान लीजिए आप रंग देवी या किसी भी सखी के अंदर प्रवेश कर गए तो आपको लगेगा मैं ही रंग देवी हूं, मैं ही रंग देवी, और कोई सखी है ही नहीं, मैं ही केवल अकेली इसमें हूं। बिल्कुल, और भी उसमें जो आत्मा है उनको लगेगी मैं ही हूं, सबको लगेगा मैं ही हूं, लेकिन मेरा भाव ब्रह्म वैभव पुराण के आधार पर जी जो चार प्रकार की मुक्ति है, सारूप्य सालोक्य सामीप्य सायुज्य, वो वैकुंठ की है, मुक्ति से वैकुंठ, गोलोक, गोलोक की व्यवस्था नहीं, गोलोक में मुक्तियां नहीं है, गोलोक में मुक्ति नहीं, ये चार प्रकार की मुक्तियां, पांच प्रकार की बल्कि, ये वैकुंठ में ऐश्वर्य धाम में माधुर्य में मुक्ति का प्रवेश। गोलोक वाले के लिए तो कह रहे हैं ना, दिए मानम न गिणन्ति, बिना मत सेवनम जना, कपिल भगवान, कपिल भगवान तीसरे स्कंद में कहते हैं कि पांच प्रकार की मुक्तियां मेरे भक्त देने पर भी दिए मानम न गिणन्ति, नहीं प्राप्त, भर जी ने भी नहीं लिया, धर्म नर्थन काम निर्माण, ये पांचों प्रकार का निर्माण नहीं लिया, लेकिन जो सकाम भाव से ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, सकाम भाव, हाँ ठीक है, ये सकाम ही है कि हम अलग रहकर ठाकुर जी की सेवा करें, नहीं ये सकाम नहीं, इसको बोलते हैं प्रेम, प्रेम अलग चीज हो गया। सालों की मुक्ति बैकुंठ में भी श्री हरि ही ठाकुर जी ही, हाँ श्री हरि के रूप में, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, वहाँ उनकी जो पत्नियाँ हैं चारों आदि है, लक्ष्मी है, तो आसिक, तो जो वहाँ जाते हैं तो सालोक्य भगवान के लोक को प्राप्त करना, सामीप्य भगवान की समीपता में रह करके सेवा करना, सारूप्य जय विजय आदि जो भगवान के स्वरूप को प्राप्त होते हैं, लेकिन सायुज्य में जैसे एक बूंद समुद्र में विलय कर देती है, बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, सायुज्य तो कैवल्य मोक्ष हो गया, मोक्ष चार प्रकार के, कैवल्य मोक्ष, कैवल्य कहें सायुज्य कहें दोनों के एक ही अर्थ, या साष्टी, वो ये एक ही बल विलय कर देना अपने आप, वो तो ये मुक्ति में पांच प्रकार की गतियां हैं, लेकिन पांचों का संबंध ऐश्वर्य रूप से है, माधुर्य से नहीं। तो सालुक्य में क्या है, लोक में बसेंगे चतुर्भुज रूप लेकर, लेकिन वो भगवान से प्यार नहीं कर सकते, केवल दर्शन का सुख है, वो भी शांत रस है, ये पांचों प्रकार की मुक्ति में प्रेम का रसा स्वाद नहीं, वहाँ केवल शांत रस का रसा स्वाद है, एक तो हो गया निराकार का शांत रस, एक साकार में भी शांत रस है, तो उसको कैवल्य मोक्ष है शुद्ध शांत रस, उसके बाद दर्शना लाभ, दर्शन का सुख है, वैकुंठ में भगवान के दर्शन का सुख है, वहाँ स्तुतियाँ करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान नारायण के साथ खेल नहीं सकते, उनके साथ सो नहीं सकते, एक थाली में खा नहीं सकते, ये खेल प्रेम के वैकुंठ में नहीं होते, इसलिए हमको वहाँ पर शांत रस कहा गया, तो वहाँ मुक्ति है सारी, इतने प्रकार की है, लेकिन प्रेम का रस स्वाद नहीं, जो गोलोक धाम में साके धाम में वो प्रेम और सेवा का सुख है, प्रेम का सुख है, तो प्रेम तत्व गोलोक धाम में वहां के शांत रस, जैसे पांच स्थितियां बताई साकार भगवान की, तो पहली है शांत रस, दूसरी है दास्य रस, तीसरे वात्सल्य रस, चौथी है सख्य, तीसरी है सख्य रस, चौथी वात्सल्य रस, पांचवा श्रृंगार रस, तो उसमें पहला जो है शांत रस, इसमें पांच प्रकार की मुक्ति है, लेकिन गोलोक धाम में निकुंज वृंदावन में जो भाव है वहां पर ये चार ये पांच पर चार प्रकार के भाव है, लेकिन शांत रस नहीं, शांत रस से आगे वात्सल्य दास्य रस है, जैसे हनुमान जी का है दास्य रस, फिर सख्य रस है, अर्जुन सुदामा है, ब्रज के सख है, विभीषण आदि है, सख्य रस है, इसके बाद वात्सल्य रस है, जैसे तीनों मातेश्वरी हैं और भगवान के अवतारों के जननी है, कौशल्य है और इधर यशोदा देव की, ये वात्सल्य रस है, इसके बाद फिर श्रृंगार, श्रृंगार के भी चार भेद हैं,
तो ये सब हैं, लेकिन गोलोक धाम में चार रस हैं। मैं तो एक मूल बात कहना चाहूँगा, ये कहना चाहता हूँ कि भक्ति बिना प्रेम के तो संभव नहीं है। भक्ति कैसी निष्काम हो चाहे सकाम हो, लेकिन भक्ति बिना प्रेम के संपुटित हुए संभव ही नहीं हो सकती है। देखो भक्ति का अर्थ प्रेम से, बिना भक्ति के ये लोग मिलते नहीं। एक मिनट, भक्ति का अर्थ प्रेम से है, लेकिन मैं जो अंतर बता रहा हूं, देखो कोई मुझसे प्रेम करे लेकिन मुझको मानता है भगवान, ये भगवान अवतार लेके कौन दास के रूप में भगवान अवतार लेके, अब कोई मुझको भगवान मानेगा तो मेरे आगे जय जयकार करेगा, नमस्कार करेगा, लेकिन प्यार नहीं कर सकता मुझसे, दर्शन कर लेगा, जय जयकार करेगा, नमस्कार करेगा, आरती उतार देगा, लेके तिलक चंदन लगाएगा, माला पहना देगा, ये सब कुछ करेगा, लेकिन प्यार नहीं। प्यार कौन करेगा? तो मेरी माता, वो ये आरती नहीं करेगी, वो चरण नहीं छुएगी, वो माल्यार्पण नहीं करेगी, वो तिलक लगाएगा, तो प्यार करेगी। मेरे सखा लोग मुझके प्यार करेंगे, पत्नी प्यार करेंगे, तो ये सब मुझसे प्यार करेंगे, जय जयकार नहीं करेंगे, प्यार करेंगे। लेकिन जो मुझको पुत्र ना मानकर, मित्र ना माने, पति ना माने, केवल भगवान माने, तो ऐसे लोग को जो मेरा सुख मिलेगा है उनमें भी प्रेम, तभी मैं साकार हूं, लेकिन वो प्रेम दूर से दूर का होगा, अर्थात शांत रस का होगा। जो उद्धव को श्री कृष्ण देते हैं वो शांत रस का प्यार है, लेकिन गोपियों के बाद मिलने के बाद जो पता चला कि इससे भी आगे का सुख है, तो उद्धव के पास पहले शांत रस था, फिर बाद में शुद्ध साक्ष्य रस है। उससे पहले क्या था? उससे पहले शांत रस की प्रधानता थी कि ये भगवान है, सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में ज्ञान था, तो ज्ञान में जय शांत रस, इसको बोलते हैं ज्ञान मिश्रा भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं। आपने कहा ना प्रेम भक्ति, तो में तो प्रेम है, प्रेम तो है लेकिन उसमें मिश्रण ज्ञान का है, लेकिन गोपियों में ज्ञान का मिश्रण नहीं, सखों में ज्ञान का मिश्रण नहीं। तो प्रेम तो कौशल्या का भी है, प्रेम महाराज दशरथ का भी है, दोनों भक्त हैं भगवान के पूर्व जन्म के, लेकिन दोनों के प्रेम में अंतर है। शुद्ध प्रेम है महाराज दशरथ का, और कौशल्या के प्रेम में ज्ञान मिश्रित है। ये परमात्मा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वहां केवल कौशल्या का नाम दिया है दशरथ महाराज का नहीं, क्योंकि ये जो रूप है चतुर्भुज रूप ये कौशल्या के लिए है, दशरथ महाराज के लिए नहीं। क्योंकि कौशल्या की भक्ति में क्या है, उपजा जब ज्ञाना है ना, तो वहां ज्ञान उपज गया, तो कौशल्या की भक्ति में ज्ञान मिश्रण है और महाराज दशरथ की भक्ति शुद्ध भक्ति, ये अंतर है। तो उसमें शांत रस है, तो भक्ति तो है लेकिन भक्ति का प्रथम जो रस है शांत रस, तो वैकुंठ में शांत रस है, इसलिए वहां चतुर्भुज रूप है वैकुंठ में, और माधुर्य में दो हाथ होते हैं, दो भुजें होते हैं, और ऐश्वर्य में चार भुजें, इसलिए कौशल्या को चार भुज वाला रूप दिखा है, महाराज दशरथ को दो भुजा वाला, क्योंकि वहां शुद्ध माधुर्य है और वहां पर ऐश्वर्य मिश्रण है। इसलिए वो पलने में जब देखा कि यहां वहां दो ही बालक देखा, तो वहां दो रूप दिखाए, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया उसको कौशल्या को, लेकिन महाराज दशरथ को नहीं दिखाया। इधर यशोदा को भी दिखाया ब्रह्मांड रूप, लेकिन दिखा करके तुरंत भुला दिया। क्यों भुलाया? कौशल्या को क्यों नहीं भुलाया? यहां भुला दिया यशोदा को, क्योंकि यशोदा की भक्ति में ज्ञान का मिश्रण भगवान देना नहीं चाहते, क्यों? शुद्ध भक्त है वो, और कौशल्या की भक्ति शांत रस है, साथ में मिश्रण है। तो जहां ज्ञान का मिश्रण हो जाए उनकी वैकुंठ तक पहुंचा चतुर्भुज रूप, और जहां ज्ञान मिश्रा भक्ति न को शुद्ध भक्ति आ जाए, वही है प्रेमा भक्ति, और शुद्ध भक्ति में चार भाव रह गए बाद में, शांत रस में ज्ञान मिश्रा भक्ति, और यहां पर दासरस जैसे हनुमान जी का। अब हनुमान जी की भक्ति में ज्ञान मिश्रण नहीं है, यदि ज्ञान मिश्रण होता हनुमान जी की भक्ति में तो वो गरुड़ को बुलाने कभी ना जाते, संजीवनी बूटी लेने ना जाते। क्यों? ये तो भगवान है, लक्ष्मण मर ही नहीं सकते, ये तो भगवान है, उनको दर्द भी नहीं होता, बल्कि देख देख के खुश होते हैं। यदि ज्ञान मिश्रण होता, शंकर जी की भक्ति में ज्ञान मिश्रण है, राम जी रो रहे हैं सीता के विरह में, और उनको रोते हुए देख करके भगवान शंकर मुस्कुरा रहे, जय जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं, गदगद हो गया, खुशी नहीं समा रही है। बताइए, इष्ट रो रहे हैं और शंकर जी खुश हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां ज्ञान मिश्रा भक्ति है, ये परमात्मा इनको ज्ञान था, तो ज्ञान मिश्र होने से वो प्रेम राम जी शंकर जी को नहीं दे सकते, इसलिए परस्पर दोनों नमस्कार कर सकते हैं, गले नहीं लग सकते। क्यों नहीं लग सकते? प्यार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ज्ञान मिश्रा भक्ति है। तो उद्धव की उद्धव मित्र मानते हैं कृष्ण को, लेकिन तभी उनका झूठन खाते हैं, अपना क्यों नहीं खिलाते? उनकी उतरन पहनते हैं तो अपनी उतरन क्यों नहीं मित्र को देते? इसका मतलब है मित्रता शुद्ध नहीं है, एक तरफा हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान भी है, ज्ञान मिश्रा उद्धव की भक्ति है, तो शांत रस है।
भागवत जी में कहा है ना, भक्ति योग बहुविध हो, एक प्रकार की भक्ति है ही नहीं, अनेक प्रकार की भक्ति। ये तो प्रश्न क्या था, हाँ समान सखियों ये बात है। तो ज्ञान के मार्ग से व्यक्ति शांत रस वाला भगवान में समा जाता, उसको बोलते हैं साहित्य मुक्ति। उसमें सृष्टि है और जय सालोक्य है, सामीप्य है, लेकिन ये सब मुक्तियाँ ज्ञान मिश्रा भक्ति में है। लेकिन शुद्ध प्रेम भक्ति में मुक्ति नहीं, वैकुंठ नहीं, इससे आगे साकेत धाम, गोलोक धाम और वृंदावन धाम। तो अलग अलग प्रेम का रस स्वाद है। शांत रस में भी भक्ति है, लेकिन वो ज्ञान मिश्रा भक्ति है।